जाने दो दोस्त, सॉरी मैन, एक्शन। और तू मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। जाओ, एक बार और जाओ, थोड़ा एम थोड़ा इधर आइए, स्पीड में निकलना, सॉरी, हाँ, हाँ इधर निकल जाओ, ऊटी और नेपाल के बीच निकल, एक्शन। जाना पूरा परिधि मत बोलना, मैं जब तक ना बोलूं जाओ। आवाज़ बोलो। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती। निकल जाइए आप लोग भी, बाहर जाइए। मैंने तुम्हें अभी तक मैंने तुम्हें अभी तक माफ नहीं किया है। सब कुछ जो भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने परिधि का साथ दिया, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। ये बात स्पष्ट है कि यदि परिधि ना होती तो राधा ना होती और ना ही आज इतना बड़ा तमाशा होता हमारे घर में। क्या चल रहा है यहाँ पे जेल में? आप पूरा कुछ थोड़ा बताइए। जेल है, अजीब अजीब लोग हैं। उसने अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट, अब वो एक्चुअली अड़ गई है। हम लोगों ने घर में पूजा रखी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से घर में इतनी उथल पुथल हो रही, तो वो ये समझते कि हमने वो पूजा उसके बर्थडे के हिसाब से रखवाई है। अब हमें तो किसी को पता नहीं था, तो अब वो इस बात पर नड़ गई है कि मैं अपना बर्थडे अपने तरीके से सेलिब्रेट करूँगी क्योंकि आप लोग ना तो मुझे गिफ्ट दे रहे हो और ना ही मेरे लिए कुछ कर रहे हो। तो अब वो अपने तरीके से किस तरह से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है वो आप देखिए। और आज जो इस तरह से राधा का मंडप, मतलब एक तरह से उसकी चाल उल्टी पड़ी है, क्या लगता है आने वाले दिनों में राधा वापस घर में रहेंगी? राधा इतनी जल्दी जाने वालों में से तो नहीं है, आप खुद ही देख रहे हैं, घूम फिर कर आ ही जाती है वापस। बट आज तक हम लोगों ने उसका कोई भी दाव सही पढ़ने दिया नहीं है। वो बात अलग है, मेरे घर में बहू बनकर आ गई है, पर आने के बाद अब उसको सेटल भी तो होना है। अब वो हम होने देते हैं या नहीं देते उसमें आपके मजे हो जाएंगे, देखिए। और आज इतने सारे पागलों के बीच में कैसा एंजॉयमेंट रहा? इतने सारे लोग सब इकट्ठा हो गए, इट वॉज लॉट ऑफ गॉजपॉच, बट देन इट वॉज फन कि एक अलग टाइप की थीम पार्टी देखने मिली। एंड हाँ ज़रूर, आप लोगों को हम लोगों ने एक नया आइडिया दे दिया कि आपको अगर करना है तो आप ये भी एक थीम और अरेंज कर सकते हैं अपने बर्थडे के लिए। सो हैव फन, एंजॉय और हमको याद कीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मोदी परिवार में आज जेल बन गया, इतना बड़ा घर में जेल बन गया, ये कैसा, मतलब ये एक्सपीरियंस कैसा? बड़ा डिफरेंट था और बड़ा ही अटपटा था, बट देन इट वॉज एन एक्सपीरियंस।
आपको नया, अब हम खुद तो जेल में जाएंगे नहीं देखने के लिए, तो यही हम लोगों ने खाने के फूल की एक झलक देख ली कि जेल होता कैसा है। थैंक यू सो मच। आज आपके अजीब अजीब मेहमान, अजीब अजीब पार्टी, क्या हो रहा है? आज मेरी बर्थडे पार्टी है, सीरियल वाली बर्थडे पार्टी, और इन सब में मेरे सारे जेल मेट्स इनवाइटेड है, बिकॉज मोदी फैमिली इज नॉट इंटरेस्टेड इन कमिंग माई पार्टी। तो मैंने उनको इन्विटेशन दिया था, बट दे डोंट वॉन्ट टू अटेंड इट। तो बेचारे फिर भी ऐसे धमाल मस्ती के वाले लोगों को देख के आते ज़रूर है, पर देखते हैं ये लोग की प्लानिंग, मेरी प्लानिंग वगैरह। बट अल्टीमेटली होता यह है कि ये सारी औरतें सबके कमरे में घुस घुस के सबको परेशान कर रही है, तो उससे तंग आके ये लोग ऐसे कुछ प्लान करते हैं, अ ट्रिक, जिनसे इन लोगों को मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कहीं ना कहीं किस बात को लेकर, एंड दे आर ऑन मी ओनली कि नहीं तूने हम लोगों को धोखा दिया एंड वगैरह, एंड देन लीव द हाउस, एंड देन ये लोग मुझे बोलते हैं कि देखा तेरी बर्थडे पार्टी, इन शॉर्ट फ्लॉप हो गई। यानी माने राधा फ्लॉप हो गई हैं या फिर इससे और हिम्मत आ गई? बर्थडे पार्टी फ्लॉप हुई है, मेरा तो सब कुछ था ही नहीं, अभी आगे देखते हैं, हिम्मत तो आनी है, बिकॉज ऐसे कुछ फ्लॉप का तो है नहीं, मेरी बर्थडे पार्टी थी जो फ्लॉप हो चुकी है, तो अभी कुछ और करूँगी, कुछ और आएगा नया। थैंक यू सो मच।